किसी भी देश में चुनाव उस देश के लिए एक उत्सव जैसा होता है। अभी हाल ही में भारत में चुनाव संपन्न हुए हैं। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बीते एक दशक से बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को बहुमत के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए सहयोगी पार्टियों का साथ लेना पड़ा। लेकिन हम भारत के इलेक्शन की नहीं बल्कि फ्रांस में होने जा रहे उस चुनाव की बात करेंगे जिससे फ्रांस को अपना नया प्रधानमंत्री मिलने की उम्मीद है। चुनावी एनालिस्ट की माने तो फ्रांस में इस बार चुनावी हवा बदलने वाली है। ऐसी संभावना है कि फ्रांस का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग पार्टियों से हो। अगर ऐसा होता है तो फ्रांस में ये 22 साल बाद होगा। फ्रांस में इस तरह की स्थिति को कोहैबिटेशन या सहवास कहते हैं। फ्रांस में दो चरणों में नेशनल असेंबली का चुनाव हो रहा है। जानकारों का मानना यह है कि इमैनुअल मैक्रों के लिए खुद के बल पर नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल करना टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। लेकिन कैसे होता है नेशनल असेंबली का चुनाव? भारत की तरह फ्रांस में भी पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है और निचले सदन को नेशनल असेंबली। अभी नेशनल असेंबली की 577 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। 289 सीट लाने वाली पार्टी को बहुमत हासिल हो जाएगा। इन चुनावों में विदेश में रह रहे फ्रांसीसी नागरिक भी वोट डाल सकते हैं और हर जिले में एक संसद सदस्य चुना जाता है। 30 जून को वोटिंग के बाद 7 जुलाई को सभी सीटों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे, जिसमें मतदाताओं को पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों में से एक का चुनाव करना होगा। पहले दौर में जिन उम्मीदवारों को 12.5% से ज्यादा वोट मिलेंगे वो अगले दौर के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में आमतौर पर दूसरे दौर के मतदान में हर सीट पर 2 या 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है। फ्रांस का चुनाव ना तो भारत जैसा है और ना ही अमेरिका जैसा। फ्रांस का चुनाव समझने की कोशिश करते हुए कहीं ना कहीं खुद के भी उलझने का खतरा बना रहता है। कुछ चीजें इतनी मुश्किल हैं कि उसके बारे में बारीकी से ना समझा जाए तो सारा ज्ञान कचरा हो जाता है। फ्रांस में जहां एक तरफ राष्ट्रपति सेना का कमांडर होता है, फॉरेन और डिफेंस के मुद्दों को देखता है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नेशनल मुद्दों के लिए जिम्मेदार होता है। देश के अंदर की नीति कैसी होगी वो प्रधानमंत्री तय करेगा। आसान भाषा में देश का कानून प्रधानमंत्री ही बनाता है। सहवास या कोहैबिटेशन की स्थिति फ्रांस की राजनीति में इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि फ्रांस के 5वें गणराज्य में स्थानांतरित होने के बाद यह अब तक 3 बार हुआ है। फ्रांस एक ऐसा लोकतंत्र है जहां कुछ शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है तो कुछ शक्तियां प्रधानमंत्री को, इसलिए फ्रांस को सेमी प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। फ्रांस में राजनीति के मौजूदा दौर को 5th रिपब्लिक कहा जाता है। 1st रिपब्लिक 1958 में आया था। फ्रांस में समय समय पर हर नए रिपब्लिक के आने से बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि 4th रिपब्लिक में फ्रांस के लोअर हाउस को प्रभाव के साथ लागू किया गया था। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति एक तरह से देश का सर्वेसर्वा होता है, साथ ही सेना का सुप्रीम कमांडर भी। साल 2000 से पहले फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता था, जिसे 5 साल कर दिया गया। फ्रांस में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट का मुखिया होता है। देश में जितनी भी नीतियां बनती हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होता है। फ्रांस का आर्टिकल 21 प्रधानमंत्री को सरकार चलाने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल अपॉइंट करते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकता है, हालांकि इस्तीफे के लिए जरूर आवेदन कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति के पास ये शक्ति भी होती है कि वो नेशनल असेंबली को भंग कर दे। वहीं पार्लियामेंट राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला सकता है। इसके लिए फ्रांस के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि नेशनल असेंबली के सदस्य और स्थानीय अधिकारी मिलकर सीनेट यानी कि ऊपरी सदन के सदस्यों का चयन करते हैं। लेकिन फ्रांस में संसद भंग क्यों? कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अचानक संसद को भंग कर मध्य अवधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसका एक बड़ा कारण यूरोपीय संसद के चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली पार्टी की जीत की बड़ी कामयाबी है। ओपिनियन पोल के नतीजों में नेशनल रैली को 235 से 265 सीट दिया गया है, जो कि बहुमत से कम है, लेकिन मैक्रों को परेशान करने के लिए ये काफी है। मैक्रों की रेनेसा पार्टी और उनके साझेदारों को केवल 125 से 155 के बीच सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। मरीन लेपेन नेशनल रैली पार्टी की लीडर है और मैक्रों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी भी। कहा जा रहा है कि वो 2027 में मैक्रों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। नेशनल असेंबली के रिजल्ट में अगर मैक्रों हार भी जाते हैं तो वो साल 2027 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन कई नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार के साथ उनका टकराव हो सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।